जहां पर निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अवैध फोन टैपिंग मामले में मुकेश गुप्ता के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई है और 7 मई को मुकेश गुप्ता को डीजीपी डीएम अवस्थी के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। मुकेश गुप्ता का बयान लिया जाएगा। मुकेश गुप्ता पर पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध रूप से फोन टैपिंग कराए जाने का आरोप है। इसे लेकर पहले ही ईओडब्ल्यू द्वारा मामले की जांच की जा रही है और अब विभागीय जांच शुरू हो गई है। मंडला जिले की तहसील मोगा